हेलो लेडीज, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रीडम फ्रॉम पेल्विक पेन। मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम है हम औरतों में, और इनके क्या क्या अलग अलग कारण होते हैं वो हम जानेंगे डिटेल में। साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इन्हें प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें, और साथ में मैं इनका आपको ट्रीटमेंट भी डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं डिफरेंट कॉजेज, मतलब रीजंस क्या हैं हमारे पेल्विक पेन होने का कारण। तो सबसे पहले है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। PID, यूट्रस ट्यूब सर्विक्स का इन्फेक्शन। ओवेरियन सिस्ट, मतलब अंडाशय में सिस्ट होना, पानी, खून की रसौली। फाइब्रॉइड, यानी मांस की रसौली यूट्रस में होना। एडिनोमायोसिस, यानी बच्चेदानी की सूजिश होना। मेट्रियोसिस, यानी यूट्रस ट्यूब, अंडाशय, आंतों, सबको इफेक्ट करने वाली भी। तो अब हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी या 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिए। खाने में हरी सब्जियां और सलाद का सेवन ज़रूर करें। दही बच्चेदानी के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने में डेली दही ताज़ा खाएं। डेली ड्राई फ्रूट्स भिगो के नाश्ते में ज़रूर खाएं। एक्सरसाइज ज़रूर करें, या योगासन करें या मेडिटेशन करें। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं एंड कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें। महावारी यानी पीरियड्स के दौरान पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कैप का इस्तेमाल करें, और हार्श केमिकल का उपयोग अपने गुप्तांगों पे ना करें। तो आपने अभी देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन के, और इनके क्या क्या हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे कि आगे ये ना हो या कम से कम हो। लेकिन हमें साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि कब हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और कब अलार्मिंग साइंस हैं। अगर आपका पेट का दर्द जो है वो एंटीबायोटिक्स के कोर्स के बाद भी नहीं जा रहा है, आपका जो सफ़ेद पानी आ रहा है या वजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें बहुत स्मेल आ रही है, इचिंग हो रही है, साथ में जब आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशंस कर रहे हैं तो आपको बहुत पेन हो रहा है, उसके अलावा फीवर आ रहा है कंटिन्यूसली, या कंटिन्यूस बैक पेन बना हुआ है, पीरियड्स इरेग्युलर हो रहे हैं, या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए जाके। वो आपका एक इंटरनल चेकअप करेंगे, हो सकता है एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़े, और बहुत रेयर केसेस जैसे एंडोमेट्रियोसिस मैंने आपको बताया उसमें कभी कभी एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से जांच करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो घबराइए नहीं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर टाइमली कंसल्ट करिए, और प्लीज़ ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, आपकी नॉलेज बढ़ी हुई, और आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।